इस वक्त एक बड़ी खबर दे दे, मुंबई की आर्थर रोड जेल के बाहर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आज आर्यन खान जेल से रिहा होने वाले हैं, शाहरुख खान उन्हें लेने के लिए घर से निकल चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आर्थर रोड जेल के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है और वहां पर सुरक्षा को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। आर्यन खान किसी भी वक्त जेल से बाहर निकल सकते हैं, शाहरुख खान उन्हें लेने के लिए अपने घर मन्नत से निकल चुके हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से बैरिकेडिंग लगा के आर्थर रोड जेल के बाहर सुरक्षा कड़ी की जा रही है। चूंकि शाहरुख भी वहां पहुंच रहे हैं, अब से कुछ ही देर पहले मन्नत से निकले हैं और तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में आर्यन खान की रिहाई संभव है। आर्थर रोड जेल से हमारे साथ सूरज ओझा बने हुए हैं। सूरज, उस वक्त वहां क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है और साथ ही पुलिस बंदोबस्त भी बढ़ाया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शाहरुख खान खुद यहाँ पर आ सकते हैं आर्यन खान को रिसीव करने के लिए, और इसी सब को देखते हुए फैंस और लोगों की भीड़ ना बढ़ जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर लोकल पुलिस स्टेशन है एनएम जोशी पुलिस से स्टाफ मंगाया गया है। आसपास के जो पुलिस स्टेशन है, ताड़देव से लेके बाकी के जो दूसरे पुलिस स्टेशन है, वहाँ के लोगों को बुलाया गया है। साथ ही लोकल आर्म्स की पुलिस भी बुलाई गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में कमी ना हो। आप देखिए जो बैरिकेड थे सुबह नहीं लगाए गए थे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी और जैसे ये खबर सामने आई कि शाहरुख खान अपने घर से निकले हैं, वैसे ही बैरिकेड्स लगाना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखिए रिजर्व पुलिस फोर्स की ये गाड़ी थी, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी भी यहाँ पर मंगा ली गई है ताकि मैन पावर की कमी ना रहे, किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया। आपको हमने पहले भी बताया है कि किस तरह का प्रोसीजर है। करीब 10 बजे के आसपास आर्यन खान बाहर निकल सकते हैं, उनका रिलीज ऑर्डर अंदर जा चुका है जिसे वेरीफाई किया जा चुका है। उसके बाद आर्यन समेत जितने भी आरोपियों के रिलीज ऑर्डर अंदर गए सबको बुलाकर उनके पास जेल की जो भी चीज़ें हैं वो ले ली गई हैं। सिर्फ जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है और 10:30 के करीब आर्यन कभी भी जेल के बाहर आने की संभावना जताई जा रही है। जी, हमारे साथ मनोज भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं, साथ ही रौनक कुकरे भी हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, अभी और प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है और जब ये चुकी रिलीज कॉपी जो है वो आगे तक पहुंच चुकी है तो क्या और समय लगेगा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि सूरज ने बताया कि जो रिलीज़ की कॉपी है वो मिल चुकी है, जो जेल के अधिकारी हैं उनको मिल चुकी है, और अब जो है जो वक्त लगेगा वो 10 से 10:30 के बीच में कभी भी जो आर्यन खान है वो बाहर आ सकते हैं। इस वक्त वो जाग चुके हैं और जैसा कि जो जेल के सूत्रों ने हमें बताया कि रात भर, क्योंकि अब उनकी जमानत हो गई थी और कल ये कयास लगाए जा रहे थे कि आर्यन खान कल ही बाहर निकलेंगे, लेकिन क्योंकि वो जो रिलीजिंग लेटर था वो नहीं पहुँच पाया था यहाँ पर और वो लेट से पहुँचा, और अब जो है आर्यन खान रात भर ठीक से नहीं सो पाए हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है वो रात से ही जाग ही रहे थे क्योंकि उन्हें इंतजार है घर जाने का। रौनक हमारे साथ है, रौनक कितनी और देर लग सकती है अब? जी देखिए, सुपरिटेंडेंट जो है जेल के, उनसे हमारी सुबह बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि 9 से 10 बज सकते हैं आर्यन खान को जेल से बाहर आने में। कुल मिलाकर जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। सुबह 5:30 बजे जो बेल बॉक्स है उसको खोला गया, उसमें करीबन 10 से 12 रिलीज ऑर्डर्स थे और सभी को जेल सुपरिटेंडेंट के सामने रखा जाता है। उसकी प्रोसेस ये होती है कि उसको वेरीफाइड किया जाता है, उसमें जो सील होती है कोर्ट की उसको देखा जाता है, और उसके बाद जिन कैदियों को रिलीज करना उनको सुपरिटेंडेंट के पास बुलाया जाता है और सभी तरह की जो उनके पास सामान है वो जमा कराया जाता है और एक तरह की काउंसलिंग भी उनसे होती है, और उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत उन लोगों को बाहर जो है वो रिलीज किया जाता है। जी देखिए, जैसा कि रौनक बता रहे हैं कि जब आर्यन खान यहाँ से निकलेंगे या उनके साथ जितने और कैदी निकलेंगे तो जो जेलर होते हैं वो एक काउंसलिंग करेंगे, वो उन्हें ये बताएंगे कि ये अच्छी जगह नहीं है, आपका जो व्यवहार था यहाँ पर अच्छा रहा, यहाँ पर आप दोबारा मत आइएगा, तो एक काउंसलिंग भी की जाती है कैदियों की। और इंतज़ार अब यही किया जा रहा है कि जितनी जल्दी अंदर का प्रोसेस पूरा होगा तो करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में आर्यन खान जो है किसी भी वक्त यहाँ जेल से बाहर निकल सकते हैं। और मनोज, वहाँ अभी सुरक्षा की स्थिति क्या है, सुरक्षा के किस तरीके इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि शाहरुख का काफिला भी मन्नत से अब निकल चुका है?
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मेरा कैमरामैन मोहित कैसले आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम अब कर दिए गए हैं। हालांकि पहले यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, लेकिन अब जेल के सामने ही एक डिवाइडर है तो वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। बाकायदा एक बस को यहाँ पर लगा दिया गया क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है, ट्रैफिक अब यहाँ पर होना शुरू हो चुका है। ट्रैफिक को भी देखते हुए जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियों को यहाँ से जल्दी जल्दी आगे निकलवाया जा सके। शाहरुख खान घर से निकल चुके हैं लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर जेल के बाहर कर दिए गए हैं। तस्वीरें कैमरामैन मोहित कैशले आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी आपको जेल के गेट के बाहर देखिए खड़े हुए नजर आएंगे। पहले इतने पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे लेकिन जब जैसे ही शाहरुख खान घर से बाहर निकले हैं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। सूरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। सूरज, इस आधे घंटे में जो प्रोसेस में तेजी आई है, ऐसा लग रहा है कि 9 बजे आरएन बाहर आ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रोसेस बढ़ता जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से एसआरपी ऑफ स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम बुलाई गई है, साथ में जो आसपास के पुलिस स्टेशन के लोग हैं उन्हें बुलाया गया है। ये बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, बैरिकेड्स लगाया गया है, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर या तो शाहरुख खान आ सकते हैं या तो आर्यन की जल्द से जल्द रिहाई होगी। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि जब भी आर्यन खान निकलने वाले होंगे शाहरुख खान की गाड़ी यहाँ पर आएगी, चाहे उसमें शाहरुख खान ना हो तब भी उनकी गाड़ी एक आती है, जिस तरह से जेल प्रोसीडिंग के समय भी उनकी गाड़ी आती थी वहाँ पर, ताकि अगर कल को उस वक्त बेल हो जाए तो उन्हें ले जाने में आसानी हो। तो अभी तक तो उनके बंगले से जो हमेशा आर्यन के लिए जो गाड़ी आती है वो अभी तक गाड़ी आई नहीं है, लेकिन कभी भी वो गाड़ी आ सकती है और वो गाड़ी आने के बाद ये तुरंत हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि आर्यन कभी भी जेल से बाहर आ पाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा को कितनी तेज़ी से बढ़ाया गया है, मैं आपको दोनों तरफ के रास्ते दिखाता हूँ। उस तरफ आप रास्ते में देखिए, वहाँ पर भी पुलिस की बड़ी गाड़ी बुलाई गई है, साथ ही स्टेट रिजर्व पुलिस की। मेरे कैमरामैन अनूप को बताना चाहूँ कि आप इस तरफ दिखाइए, इस तरफ आप देखिए पुलिस की तमाम गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी ना हो, मैन पावर की कमी ना हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बराबर से मेंटेन किया जा सके। आर्यन जेल से निकले और वो यहाँ से निकल जाए, यहाँ का ये ध्येय है कि जब वो निकले तो किसी भी तरह की ट्रैफिक से लेके किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए। जी सूरज, तस्वीरों में मुझे बहुत सारे लोग भी वहाँ नजर आ रहे हैं जो मुझे लगता है आम लोग हैं या फिर फैंस हैं शाहरुख के, तो उन्हें क्या वहाँ से हटाने के लिए कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो भीड़ जम जाएगी वहाँ। जी बिल्कुल, आपने जो सवाल पूछा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो जो भीड़ आप देख रहे हैं वो आसपास के लोग हैं और लोगों को पता है कि शाहरुख खान का लड़का इस जेल में है, वो किसी भी समय बाहर आ सकता है। और लोगों के दिमाग में वो तस्वीर भी है कि जब शाहरुख खान यहाँ पर आए थे, अचानक से आए थे, लेकिन आज लोगों को ऐसी उम्मीद है कि शाहरुख वापस यहाँ आ सकते हैं अपने बेटे को रिसीव करने के लिए। इसी वजह से आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं और वो थोड़ी देर पहले इसी रो में खड़े थे जहाँ हम खड़े हैं, उन्हें हटाया गया, यहाँ बैरिकेड लगाया गया, मीडिया के लोग यहाँ आ गए, लेकिन अभी भी जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो ये उनका ये मानना है कि शाहरुख अगर आए तो उनकी एक झलक मिल जाए, आर्यन खान को वो देख लें जिसे वो कई दिनों से टीवी पर देख रहे हैं। तो तमाम लोगों की अलग अलग विचारधारा है, पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर आई है, लोग शाहरुख खान को देखने आए हैं। जी सूरज, चलिए अब हम मनोज के पास चलते हैं। मनोज, वहां से मन्नत से काफिला निकल चुका है, आर्थर रोड जेल तक कब तक पहुंच सकते हैं शाहरुख खान? देखिए, मन्नत से जो काफिला है वो निकल चुका है, आपको बताना चाहेंगे कि मन्नत से जो दूरी है वो करीब 30 मिनट की है, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे मुंबई में ट्रैफिक जब बढ़ता है तो समय लगता है, तो हो सकता है कि 40 मिनट उनको लगे, तो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि शाहरुख कुछ इंतज़ार करे कहीं पर रुक करके, या तो वो किसी होटल में भी रुक सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब उनको पता चलेगा कि हाँ अब रिलीज़ होने वाले हैं उसी वक्त उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँचेगी और फिर वो यहाँ से आर्यन के साथ निकल जाएंगे। रौनक, क्या पुलिस की गाड़ियां आर्यन खान को पायलट करके ले जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम पुलिस ने किया, क्या आगे पुलिस की गाड़ी रहेगी जब आर्यन निकलेंगे यहां से? जी देखिए, शाहरुख खान को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से वैसे ही सुरक्षा जो है वो दी गई है, ऐसे में अलग से आर्यन के लिए गाड़ियां लगेगी इसकी उम्मीद कम है, लेकिन जो शाहरुख खान का सुरक्षा घेरा होता है वो उनके साथ जरूर चलेगा। इस वक्त शाहरुख खान जो है वो मन्नत से निकल चुके हैं, अमूमन इस वक्त का जो ट्रैफिक देखे तो 20 से 25 मिनट में आर्थर रोड वो आ जाना चाहिए था, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि वो
बीच में जो एक पांच सितारा होटल है शायद वहां पर कुछ देर रुके, और जैसे ही उन्हें उनके लोग और जेल प्रशासन की तरफ से जानकारी मिलेगी कि अभी कुछ देर के बाद ही आर्यन को छोड़ा जा रहा है, उसी वक्त हो सकता है कि शाहरुख की जो काफिला जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जी मनोज, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जमानत तो आर्यन खान को मिली है लेकिन 14 शर्तों के साथ। क्या है वो शर्तें और अहम शर्तें कौन-कौन सी हैं? जी बिल्कुल, देखिए शर्तें जो हैं उसमें जो है 1 लाख रुपए का मुचलका था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, उनको ये कहा गया था कि हर फ्राइडे को उनको एनसीबी के ऑफिस में पहुंचना है, वहाँ पर अपनी अटेंडेंस देनी है, और इसके अलावा वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। साफ तौर पर ये कहा कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो अभी इंतज़ार यही किया जा रहा है कि जब शाहरुख खान की गाड़ी यहाँ पर कब पहुँचती है और यहाँ से आर्यन खान को कितने बजे रिलीज़ किया जाता है। रौनक, अंदर क्या प्रोसीडिंग अभी चल रही होगी? जी देखिए, जो जानकारी जेल प्रशासन की तरफ से मिल रही है, मुख्य तौर पर जितने लोगों के रिलीज ऑर्डर्स जेल प्रशासन को मिले हैं सभी के कागज जो है वो वेरीफाइड कर लिए गए, और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद एक एक करके जो रिलीज करने की प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाएगी, और इसमें आर्यन का नंबर का कितना है ये अभी फिलहाल बता पाना मुश्किल है। ठीक है मनोज, ठीक है मनोज। रौनक आप हमारे साथ बने रहिए, सूरज आप भी हमारे साथ बने रहिए, लगातार खबर पर नजर है, एक एक अपडेट पल पल का अपडेट। सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।